हेलो एवरीवन, वेलकम टू डीपी। मैं हूं आप लोगों का दोस्त प्रणव। तो भाई 2023 है आज के डेट में बेसिकली यहाँ पे 6.9 इंच मैसिव साइज का भाई बड़ा बड़ा डिस्प्ले वाला स्मार्टफोन देखने को मिलता है। स्मॉल साइज डिस्प्ले वाला स्मार्टफोन बेसिकली 5.9, 6.1, 6.3 इस तरह के जो स्मार्टफोन्स होते हैं, जो एंडी डिवाइस होते हैं, जिन लोगों के हाथ छोटे होते हैं या फिर जिन लोगों का हाथ बड़ा होता है, फिर भी जिन लोगों को छोटा फोन क्यूट लगता है, कन्वीनियंट लगता है, लॉन्ग टर्म का चैट्स के लिए भाई सुविधा होता है, उन लोगों के लिए यहाँ पे मैं एक लिस्ट लाया हूँ। बेसिकली मेरे पास 4 स्मार्टफोन है भाई। डेफिनेटली सारे स्मार्टफोन बहुत ही बेहतर है, पर आखिरी वाला जो स्मार्टफोन है ना भाई, वो बहुत ही ज्यादा आग लगाने वाला स्मार्टफोन है। वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि पहला वाला स्मार्टफोन शायद आपको पसंद आ जाए, आपका रिक्वायरमेंट को पूरा कर दे, या फिर आखिर वाला स्मार्टफोन भी शायद आपके रिक्वायरमेंट को पूरा कर दे। कौन सा वाला बेस्ट है वो आप पे डिपेंड करता है। मैं यहाँ पे सीरियल वाइज बता रहा हूँ, आप डिसाइड कर लीजिएगा। और अगर ढोल नगाड़े का आवाज आ रहा है तो थोड़ा सा भाई उसे इग्नोर कर दीजिएगा, क्योंकि शाम का टाइम है यहाँ पे और भाई मंदिर है बाजू में, कुछ नहीं कर सकते। जय श्री राम। चलिए तो यहाँ पे सबसे पहले आते हैं गूगल पिक्सल 7 के ऊपर, प्रो वर्जन 10.7 के ऊपर। गूगल पिक्सल 7 में यहाँ पे गूगल टेंसर जनरेशन 2 का चिपसेट देखने को मिल जाएगा, जो कि 5 नैनोमीटर के ऊपर फैब्रिकेट हुआ है। ये वाला डेफिनेटली एक्सोनक्स है, कस्टमाइज्ड वर्जन है। तो भाई गूगल पिक्सल 7 का अगर डिस्प्ले का साइज के बारे में बात करते हैं, तो यहाँ पे 6.3 इंच का एक OLED डिस्प्ले देखने को मिल जाता है, जो कि HDR 10 प्लस वाला डिस्प्ले है भाई, काफी बढ़िया डिस्प्ले है। यहाँ पे कैमरे का बात करते हैं, फ्रंट में आपको 10.8 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा देखने को मिल जाएगा। मेगापिक्सल पे मत जाइए भाई, ये गूगल पिक्सल है। एंड बैक में आपको 50 मेगापिक्सल का एक सेंसर देखने को मिलता है, जहाँ पे OIS है डेफिनेटली, एंड एक 12 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड भी देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे अगर बैटरी का बात करते हैं, यहाँ पे 4355 mAh का बैटरी भी देखने को मिल जाता है, मतलब हर तरफ से भाई ठीक ठाक ये वाला स्मार्टफोन। तो ठीक है भाई, ये वाला उतना खास नहीं रहा, चलिए नेक्स्ट वाला डेफिनेटली खास रहेगा। इसके बाद आता है गूगल पिक्सल 6a। तो गूगल पिक्सल 6a जो बेसिकली है, ये वाला मिड रेंज स्मार्टफोन या फिर बजट के आसपास का स्मार्टफोन बोल सकते हैं। यहाँ पे ऑफर में ये वाला 30,000 के अंदर भी आ जाता है कभी कभी। यहाँ पे एक 6.1 इंच का एक OLED डिस्प्ले देखने को मिल जाता है। हाँ, इसका रिफ्रेश रेट डेफिनेटली थोड़ा कम है, 60Hz का डिस्प्ले है, पर यहाँ पे आप गेमिंग के लिए डेफिनेटली एक कॉम्पैक्ट डिवाइस तो नहीं लोगे ना, प्रेफर तो नहीं करोगे। जो लोग बिजनेस क्लास लोग हैं या फिर जिन लोगों को भाई लॉन्ग टर्म चैट करना है या फिर थोड़ा बहुत ऑफिशियल काम है, जिन लोगों का छोटा फोन का रिक्वायरमेंट अलग ही होता है भाई। तो गूगल पिक्सल 6 से टेंसर जनरेशन 2 नहीं, टेंसर जनरेशन 1 देखने को मिलता है। एंड ये वाला भी 5 नैनोमीटर के फैब्रिकेशन के ऊपर बना है। डे टू डे टास्क ग्राफिक्स रिलेटेड काम में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। हाँ, गेमिंग में थोड़ा बहुत हीटिंग का इशू हो सकता है, छोटा डिवाइस में कितना ही गेमिंग करो। अभी बात करते हैं कैमरे के बारे में गूगल पिक्सल 6a का। गूगल पिक्सल 6a में यहाँ पे एक कैमरा OIS के साथ 12.2 मेगापिक्सल का देखने को मिल जाता है, एंड दूसरा कैमरा भी 12 मेगापिक्सल का देखने को मिल जाता है अल्ट्रा वाइड। फ्रंट में आपको 8 मेगापिक्सल का सेंसर देखने को मिलता है, एंड जो बैटरी है ये 4410 mAh का बैटरी है। तो ये वाला डिवाइस आप अगर बजट में भाई ठीक ठाक एक हैंडी डिवाइस लेना चाहते हो, जो भाई फोटोग्राफी में आपको बहुत ज्यादा मदद करने वाला है, बहुत सारे यूट्यूबर्स जैसे बेस्ट फोटोग्राफर ऑफ 2022 का खिताब भी दे के रखा है भाई, तो ये वाला स्मार्टफोन मेरे हिसाब से काफी बेहतरीन है। और जिन लोगों को पसंद आता है वो लोग कमेंट में डेफिनेटली बोलिएगा। नेक्स्ट वाला स्मार्टफोन भाई इससे भी 4 कदम आगे है डेफिनेटली। यहाँ पे आते हैं Asus Zenfone 9 के ऊपर। Asus Zenfone 9 जो है, यहाँ पे 5.9 इंच का एक सुपर एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिल जाता है, जहाँ पे आपको डेफिनेटली हायर रिफ्रेश रेट भी देखने को मिलेगा, और ये वाला डिस्प्ले HDR 10 प्लस भी है। यहाँ पे आपको Qualcomm Snapdragon 8 प्लस Gen 1 देखने को मिलता है। 8 Gen 1 में नीटिंग इशू था, पर 8 प्लस Gen 1 जो है ये 4 नैनोमीटर पे चिपसेट ये वाला TSMC की तरफ से फैब्रिकेट हुआ है, तो यहाँ पे हीटिंग इशू बहुत ज्यादा नहीं है। पर एक बात भाई ध्यान रखिएगा कि जितना छोटा स्मार्टफोन होता है उतना ज्यादा वेंटिलेशन में प्रॉब्लम होता है, हीटिंग उतना कम जगह पे स्प्रेड होता है, और उसकी वजह से क्या होता है, हीटिंग थोड़ा बहुत तो रहेगा। अगर आप गेमिंग करते हो तो डे टू डे टास्क में एडिटिंग वेडिटिंग करते हो या फिर ग्राफिक्स वीडियो थोड़ा बहुत काम करते हो, उससे कुछ नहीं होने वाला है। अगर बात करते हैं इस वाले स्मार्टफोन के कैमरे के बारे में, 50 मेगापिक्सल विथ OIS वाइड एंगल कैमरा एंड अल्ट्रा वाइड जो है, ये 12 मेगापिक्सल का एक सेंसर देखने को मिल जाएगा। फ्रंट में 12 मेगापिक्सल का एक सेल्फी कैमरा है, तो मतलब कैमरे के मामले में काफी बढ़िया है। ऑप्टिमाइजेशन भी Asus का, मतलब कलर ग्रेडिंग काफी बढ़िया होता है, मैंने खुद यूज करके रखा है Asus का फोन, मेरे को भाई अपना खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। यहाँ पे जो बैटरी है, बैटरी आपको 4300 mAh का बैटरी देखने को मिल जाएगी। ये वाला स्मार्टफोन डेफिनेटली फ्लैगशिप स्पेक्स के साथ आता है, फ्लैगशिप बिल्ड क्वालिटी के साथ, एंड ये वाला स्मार्टफोन डेफिनेटली आप अगर चाहो तो ले सकते हो आज के डेट में, आपको निराश नहीं करने वाला ये वाला स्मार्टफोन। आखिर में आते भाई 4 नंबर पे सबसे तगड़ा वाला स्मार्टफोन, बहुत सारे लोग इंतजार कर रहे थे इस नंबर के लिए। यहाँ पे 4 नंबर में सैमसंग गैलेक्सी S23 का जो छोटा वाला है, प्लस नहीं सिर्फ और सिर्फ S23 जो है। तो अगर सैमसंग गैलेक्सी S23 के बारे में यहाँ पे बात करें, तो डिस्प्ले इसका 6.1 इंच का है, 120Hz का हायर रिफ्रेश रेट देखने को मिलता है, डायनामिक एमोलेड 2X देखने को मिलता है। भाई छोटे जगह पे इतना ज्यादा हाई डेंसिटी पिक्सल्स एंड इतना बढ़िया डिस्प्ले जो है ना, इसका भाई अलग ही लेवल का मजा है। मतलब जो अल्ट्रा है वहाँ का जो डिस्प्ले है, सेम डिस्प्ले यहाँ पे छोटा वाला पे भी यूज किया गया है।
तो इसका पिक्चर क्वालिटी इनहेंस होने वाला है। और यहाँ पे अगर चिपसेट का बात करें, इसका डिस्प्ले HD 10 प्लस भी है। और यहाँ पे अगर चिपसेट का बात करते हैं तो यहाँ पे क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 8 Gen 2 इस साल का दी बेस्ट चिपसेट अभी तक का। Qualcomm Snapdragon 8 Generation 2 customized for अलग से फॉर गैलेक्सी स्मार्टफोन। 4 nanometer का फेब्रिकेशन देखने को मिल जाएगा डेफिनेटली इस वाले स्मार्टफोन में। कैमरा सेंसर के बारे में बात करते हैं, 50 megapixel का मेन सेंसर विद OIS, टेलीपोटो देखने को मिल जाएगा 10 megapixel का, वहाँ पे भी OIS है, एंड अल्ट्रा वाइड देखने को मिल जाएगा 12 megapixel का। सेल्फी कैमरा जो है यहाँ पे इस बार जो है सेंसर छोटा किया गया है, S23 अल्ट्रा में जो सेंसर है वही सेम सेंसर फ्रंट में है 12 megapixel वाला, पर सेंसर जो है डेफिनेटली बड़ा किया गया है इस बार, तो उस हिसाब से फोटोग्राफी और भी ज्यादा मजेदार होने वाला है। अगर आप ब्लॉगिंग करते हो तो आपके लिए ये वाला जो स्मार्टफोन है, अगर आप बिजनेस ग्रेड काम करते हो, आपको सिक्योरिटी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो यहाँ पे सारे स्मार्टफोन डेफिनेटली बहुत ज्यादा सिक्योर है। ब्लॉगिंग के लिए, क्रिएटर्स के लिए ये सारे स्मार्टफोन बहुत ही बढ़िया है। अल्ट्रा डेफिनेटली क्रिएटर लोग लेते हैं, पर ये जो छोटा स्मार्टफोन है ये अल्ट्रा सीरीज से बड़ा स्मार्टफोन से किसी भी जगह तक कम नहीं है डिस्प्ले साइज को छोड़। और यहाँ पे सैमसंग S23 का अगर बैटरी साइज की बात करें तो यहाँ पे 3900 mAh का बैटरी डेफिनेटली देखने को मिल जाएगा। पिछले साल का बैटरी का रिपोर्ट बढ़िया नहीं था, पर इस साल बैटरी में बहुत ज़्यादा 4 स्टेप आगे गया है बैटरी के मामले में। तो ये जो जितने सारे स्मार्टफोन है, ये सारे स्मार्टफोन सॉलिड स्मार्टफोन है। आपका अगर बजट का कोई प्रॉब्लम नहीं है, बजट आपके पास है तो डेफिनेटली आप ले सकते हो। अब बजट में भी गूगल पिक्सल 6a है, और ये वाला जितने भी स्मार्टफोन है ये बेसिकली कन्वीनियंट है, इजी टू यूज़ है, यूज़र फ्रेंडली है, तो आप इसे पिक कर सकते हो। तो बस भाई वीडियो यही था, अगर वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बजा दीजिए। आपका बहुत ज़्यादा कुछ नहीं जाएगा, पर मेरे को बहुत ज़्यादा ज़्यादा उत्साह मिलेगा, और मैं आप लोगों को भाई एक तो बहुत बढ़िया बढ़िया इन्फॉर्मेशन देके भाई आप लोगों को मैं अपडेट करता रहूँगा। धन्यवाद।